जीवित पुत्रिका पर्व पर महिलाओं ने निराजल उपवास रखकर पुत्र के दीर्घायु की कामना की। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का अलग महत्व होता है, इनमें से जीवित पुत्रिका व्रत भी खास है। जीवित पुत्रिका व्रत को जीतिया व्रत और जूतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आरोग्य लाभ, दीर्घायु और सर्वविध कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका अर्थात जीतिया व्रत का विधान धर्मशास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि जीतिया व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसी कामना के साथ रविवार को महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर जूतिया माता की पूजा की। धर्मनगरी काशी में लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड पर इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। भोर से ही मां लक्ष्मी के दरबार में व्रती महिलाओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। महिलाओं ने माता लक्ष्मी को फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर मां का विधिवत पूजन किया। इसके साथ ही ज्योतिया माता की कथा सुनने के बाद कुंड के किनारे विशेष पूजन किया। व्रती महिलाओं ने बताया कि संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ निराजल व्रत रखती हैं और अखंड दीप जलाकर पूजन करती हैं। इस व्रत का समापन अगले दिन किया जाता है। आज जीवित पुत्रिका व्रत है। आज जितबंधन बाबा की पूजा होती है, बच्चों के लिए शुभकामना के लिए पूजा होती है ताकि बच्चों की स्वस्थ शरीर रहे, सही रहे, ठीक है। और क्या क्या करती है इसमें? पूजा होती है, फल वगैरह चढ़ता है। आज दिन भर निर्जला व्रत रही जाती है, पानी नहीं पिया जाता है जी। लक्ष्मी माता के दर्शन होगी, महालक्ष्मी जी की पूजा करने आज सभी लोग आए। 16 दिन तक लगातार सुरैया की मेला चलता रहा और लोग दर्शनार्थी लगातार भीड़ के साथ दर्शन करते रहे, पर आज 17वां दिन है और आज के दिन लोग जीवित पुत्रिका के लिए व्रत रखते हैं। जिसको पुत्र की कामना होती है, जिसका पुत्र नहीं रहता उसके लिए भी लोग माता रानी से इच्छा मांगते और माता रानी जरूर उसकी इच्छा पूरी करती। इसी कामना के साथ लोग जीवित पुत्रिका की पूजा करने के लिए यहाँ कुंड पर आते हैं और पोखरा के पास बैठ करके पूजा करते हैं। आज के दिन सारा दिन वो लोग व्रत रहते हैं और कल पारण करते हैं। माता रानी सबका कल्याण करती है, इसलिए आप लोग जरूर आइए, दर्शन पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी के जो मूर्ति है वो लक्सा पर स्थित है, आके दर्शन करके उनसे अपनी कामना की पूर्ति कीजिए। ये पुत्रों के लिए होता है और पुत्रों की भला कामना के लिए होता है। हमें ये औरतें अखंड करती हैं, सुबह निराजल रहती हैं और मॉर्निंग में नवमी लगने के बाद ये व्रत का पारण करती हैं। तो किस तरह की परंपरा है ये पोखरा किनारे कुंड किनारे होता है? हाँ, ये कुंड किनारे होता है। आज के दिन पूजा होता है, 8 कहानियाँ होती हैं। पूजा व्रत करके औरतें सुहाग का लेती हैं और व्रत के लिए लड़कों का जूतियाँ चढ़ा कर, सोने चांदी की जूतियाँ होती हैं, उसका पूजन करके अपने घर जाती हैं और रात में पहनती हैं। यहाँ पे सोरैया का 16 दिन से पूजा पाठ चलता है, जिसका समापन हम जूतिया के निर्जला व्रत से करते हैं। ये जूतिया व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए होता है। माँ जूतिया सबका ही गोद भरी रहती हैं इस व्रत से। किस तरह से करती हैं? ये व्रत हम लोग निर्जला करते हैं। यहाँ पे फल चलता है, फूल चढ़ता है, कितने लोग साड़ी चढ़ाते हैं और जिसकी जैसी इच्छा वैसा ही पूजा करती है। यहाँ पे 8 तरह की कहानियाँ होती हैं। गणेश जी की कहानी होती है, जूतिया माता की कहानी होती है और फिर आखिरी में गणेश जी का कहानी कह के समापन करते हैं। किसके लिए व्रत करते हैं? ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, सभी चीजों के लिए है। इसी कड़ी में शहर के सभी कुंडों तालाबों पर महिलाओं ने पहुंचकर माता जूतिया की पूजा की। 80 घाट किनारे भी महिलाओं ने विधि विधान से बेदी बनाई और गन्ने व पीले वस्त्र से मंडप बनाकर अखंड दीप जलाया और माता जूतिया को फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित करके संतान की दीर्घायु की कामना की। इसके साथ ही महिलाओं ने परंपरा अनुसार कथा सुनी।
यहाँ क्या कर रही हैं आज आप? ये हम लोग बेटे के लिए, ये पर्व बेटे का है। ये कौन सा पर्व है? जूतिया। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? ये इसमें ये होता है, पूरा फल चढ़ेगा, गुजिया है, पूड़ी है, खटपुड़िया है, फल है, साड़ी है, ऊख है, पीली साड़ी है, सारा चीज चढ़ेगा। चढ़ने के बाद में इसको हमको 36 घंटा व्रत रहना है। और क्या क्या होता है? और बहू को लेकर बैठेंगे, बेटा को लेकर बैठेंगे, निर्जला व्रत है। इसके व्रत करने से आपके घर में धन संपत्ति औलाद किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं, बनारस ही में रहते हैं, दुर्गा कुंड कवि नगर। आज जो पूजा हो रही है इसकी क्या विशेषता है, क्या मतलब? आज जो है पितृपक्ष का आठवां दिन है और इसको जूत पितृका के नाम से इसमें महिलाएं, हमारी माताएं व्रत रहती हैं पुत्र के दीर्घायु के लिए। और यहाँ पर जो है सुरैया का मेला होता है जो आज पूर्ण हो जाएगा, आज 16वां दिन है, और वो बैठ के कथा सुनती हैं पुत्र दीर्घायु के लिए। क्या मान्यता है, क्या विशेषताएँ हैं इसकी? मान्यता यही है कि पुत्र यदि लौकिक जीवन में मिले तो दीर्घायु रहे, सदबुद्धि परमात्मा दें, इस आशय से जो है इसकी पूजा की जाती है। मूल में यही है।